देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिहोरा से रणधीर नेमा की खास खबर। निर्माण कार्य नहीं हुआ तो शुरू करेंगे आत्मदहन। युवा सांस्कृतिक क्रीडा मंडल द्वारा युवाओं ने दिया शासन प्रशासन को निवेदन। तुमसर तहसील के ग्राम सले गांव में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर सांस्कृतिक सभागृह निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो 15 अगस्त को ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने मैदान में ग्राम सले गांव युवाओं द्वारा आत्मदहन करने की चेतावनी संबंधित विभागों को निवेदन द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र शासन की ओर से विशेष निधि 65 लाख रुपए उपलब्ध किए गए है। वर्क ऑर्डर भी निर्माण कार्य विभाग को दिया गया, इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, ऐसा युवा सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल के युवाओं ने बताया है। साथ ही कहा कि 15 अगस्त के पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो सभी युवा आत्मदहन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन राजनेताओं की होगी, ऐसा इशारा दिया है। इनका जो सांस्कृतिक सभा गृह आया है हमारे सिले गांव में, तो इसका वर्क ऑर्डर निकले हुए अभी 1.5 साल हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक वो कार्य की पूर्ति के लिए कुछ किया ही नहीं। और अभी हम 15 अगस्त 2020 को आत्मदहन करने वाले हैं, तो इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और जो ग्राम पंचायत के है वो ग्राम पंचायत वाले लेने वाले हैं, की तरफ ही रहेगा, जान पे जो भी बनती है वो लेने वाले। हमने अभी तक प्रशासन को इतनी बार यानी निवेदन दी, बहुत बार गए उनकी तरफ, लेकिन उन्होंने हमारे दखलअंदाज कर दिया हमारी बात को। तो कहलावे होड़कर सिले गांव में सभा मंडप यहां 1.5 साल के पहले आ चुका है और अभी तक यहां काम चालू नहीं हुआ है। और चालू क्यों नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत ने बार बार पत्र लेटर देके बीएनसी को लेटर दी हुई है क्या यहाँ का काम नहीं चालू होना चाहिए, और काम नहीं चालू होना चाहिए इसलिए कि यहाँ पे वाद नहीं होना चाहिए, वाद होने वाला है इसलिए काम नहीं चालू हो रहा है। और इसका बावजूद भी हम लोग कलेक्टर पास में गए, तहसीलदार के पास में गए, जाने के बावजूद भी इन लोगों ने हमको जो बेनसी है, शुक्ला जी है और नंदनवार है और खंडेलवार, जो पहले खंडेलवार थे, खंडेलवार ने तो हमसे बहुत बड़ी गद्दारी किया है। जब मेरे को बताओ, जब वर्कआउट निकला है तो जगह का सिस्टम ही नहीं आएगा, जगह थी तो वर्कआउट निकला, और वर्कआउट निकलने के बाद में बीएमसी को दिया गया है, हैंडवर्क किया करने के बाद में टेंडर निकलने के बावजूद भी इन लोगों ने जगह का हमको गुमराह किया है, गुमराह करने के बावजूद भी काम चालू नहीं कर रहे हैं। हम आज करेंगे, कल करेंगे, इसके पहले तहसीलदार आ चुका था सिलेगांव में, उन्हें सर्वे किए थे, सीओ मैडम ने सर्वे किया था, तहसीलदार भी आता, पटवारी भी आता, आने के बावजूद भी काम चालू नहीं किया इन लोगों ने, और 15 दिन के बाद में काम चालू होने वाला है ये बताकर वो लोग चले गए थे। जाने के बावजूद भी फिर भी चालू नहीं हुआ, हम लोग कलेक्टर के पास में गए, बीएनसी में गए, जाने के बावजूद भी काम चालू नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है। इसके बाद ये आखिरी आंदोलन है, मजे मरे या जिए, और ये मरने के बाद में पूरा जवाबदार शासन प्रशासन और राजनेताओं पे जाना चाहिए, और जाना क्या जाएगा ही, और उसके बाद ग्राम पंचायत हमसे बहुत धोखा की है। 1.5 साल हो चुका है तो भी ग्राम पंचायत और जो भी ये प्रशासन है अभी तक की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ जवाबदारी नहीं ले रही, इसलिए नहीं किया। 15 अगस्त के पहले अगर काम चालू नहीं होता तो हम सांस्कृतिक युवा मंडल आत्मदहन करने वाले हैं, इसका जवाबदार ग्राम पंचायत और प्रशासन रहेगा। कार्यकर्ता हूँ सांस्कृतिक युवा मंडल सिलेगांव का, और जो हमारे गांव में जो काम मंजूर हुआ था 65 लाख का अहिल्याबाई होलकर स्मारक भवन, तो इसकी यही जगह है वो जो जहाँ पे स्मारक बनने वाला था, ये जगह निश्चित होने के बावजूद भी ये सभागृह कहाँ पे बन गया है, इसकी प्रशासन ने जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी कर हमारा सभागृह का काम ये 15 अगस्त के पहले चालू नहीं किया तो हम 15 अगस्त 2020 को आत्मदाह की सजग चेतावनी देते हैं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट,
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।